हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनिंग हिंदी। आज की वीडियो में हम 2024 में रिलीज हुई सर्बिटोरस इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। सर्बिटोरस मतलब वेट्रेस, जो कि वेटर का काम करती है। मूवी में ऐसे ऐसे सीन है जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि चैनल पर आने वाली हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, आप इस मूवी को कैसे देख सकते हो ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें तीन लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है डोन्ना, रीना और लीजेल। दरअसल दोस्तों, ये तीनों लड़के होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी। तो हम देखते हैं कि उन्हें सुबह होटल में जाने के लिए लेट हो रहा था, तो वह जल्दी से तैयार होकर बाहर रिक्शा से होटल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों लड़के होटल के बाहर खड़ी है, जहाँ पर होटल सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि आज हमें लेट तो नहीं हुआ। जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कहता है कि आपको लेट कैसे हो सकता है, आप तो कितनी सुंदर हो और आपको ऊपर कौन चिल्लाएगा अगर आप लेट भी हो जाए। तभी वह तीन लड़कियां शर्माती है, तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कहता है कि बस तुम सबको ढूंढ रहे, जल्दी से अंदर चले जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि वे तीनों लड़कियां दौड़कर अंदर होटल में चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वे तीनों लड़कियां वेट्रेस के कपड़े पहन रही थी। तभी रीना उन्हें कहती है कि आज हमें तो लेट हो गया, अब बॉस हम पर चिल्लाएंगे। तब लीजल उसे कहती है कि उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि डोन्ना सब संभाल लेगी। दरअसल दोस्तों, डोन्ना और उनके बॉस की अच्छी जमती थी। आगे हम रीना को देखते हैं, जो कि होटल के कस्टमर को हैंडल कर रही थी। उन्हें क्या चाहिए वो सब कुछ देख रही थी और डोन्ना काउंटर पे होती है। तभी उनके बॉस वहाँ पर आ जाते। वो डोन्ना से कहती है कि तुमसे बात करनी है, केबिन में आ जाओ। तब डोन्ना उनके केबिन में चली जाती है। बॉस डोन्ना से कहता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी सैलरी से पैसा कट करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि डोन्ना उन्हें कहती है कि उसकी पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्थमा हो गया है, तो उनके इलाज के लिए उसे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनकी देखभाल भी करनी होती है, इसलिए लेट हो गया था। तभी बॉस उसे कहता है कि मैं तुझको सब कुछ दूंगा, तुझे जो चाहिए वो दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तब डोन्ना भी मना नहीं करती और आगे हम देखते हैं कि वे दोनों एंजॉय करते हैं। अभी हम देखते हैं कि डोन्ना एंजॉय करने के बाद काउंटर पर आती है। तभी वहाँ पे लीजल और रीना भी होते हैं। रीना उसे कहती है कि वो अभी तक भूखे है क्या, और बहुत ही ज्यादा हंसती है। तभी लीजल उसे कहती है कि उन्होंने हमारी सैलरी कम कर दी होंगी। तब डोन्ना उन्हें अपनी सैलरी के पैकेट देती है, और सैलरी कम नहीं बल्कि थोड़ी बढ़ गई है, क्या हुआ, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, ऐसा भी कहती है। ये सुन के वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते और अपना अपना पेमेंट का एनवलप लेते हैं। आगे हमें वे तीनों लड़कियों को रात के समय दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी डोन्ना रीना और लीजल से कहती है कि बॉस को वो क्यों इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी क्यूट भी नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं दिखती। तब रीना उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कोई भी तुम्हें अच्छा कहेगा। आगे हम देखते हैं कि डोन्ना उसे उनके बॉस ने जो कपड़े दिए थे वो उन दोनों को दिखाती है और पहन के ट्राई करने को भी कहती है। मूवी के अगले सीन में हमें रीना और उसके बीएफ को दिखाया जाता है, जो एक रूम में होते है। दरअसल दोस्तों, रीना को उसके बीएफ ने एक ड्रेस गिफ्ट लाया था, वो देखकर रीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने बीएफ से बहुत ही ज्यादा गले लगने लगती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले दिन रात के टाइम जब वे तीनों बेड पर होती है, तभी लीजल अपने मॉम को कॉल करती है। दोस्तों, दरअसल लीजल के पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, तो उन्हें पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। हम देखते हैं कि लीजल अपने मॉम को पैसे भेजेगी ऐसा कहती है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी दिखती है। तभी रीना उसे कहती है कि तुम्हें एक बीएफ पटाना चाहिए, तुम्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आके तुम्हें खुश कर सकता है। तब लीजल उसे कहती है कि बीएफ की क्या जरूरत है, इसमें तो मैं अकेले ही काफी हूँ, जो कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजल होटल में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम लांस था। तब लांस लीजल को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दरअसल दोस्तों, लांस और लीजल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वे दोनों रिलेशन में भी होते है। हम देखते हैं कि लीजल भी लांस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो क्या लेगा उसे पूछती है। तब लांस उसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए। तब लीजल उसे कहती है कि अभी मैं काम पर हूँ। तब लांस उसे कहता है कि हम एक डेट अरेंज करते हैं, जहाँ पर एक टेबल पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। उसकी ये बातें सुनकर लीजल हंसने लगती है। तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लांस की शादी हो चुकी है, उसकी बीबी अब प्रेग्नेंट भी है, पर वो अपने पुराने प्रेमी से मिलकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लांस और लीजल एक रूम में होते हैं। तब लांस लीजल से पूछता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। तब लीजल उसे कहते है कि उसके पेरेंट ने उसे लांस से मिलने से मना किया था, अब वो स्कूल में है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा भी कहा था, और उसके पेरेंट्स ने आगे जाके उसको घर की जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर काम के लिए भेजा है,
ऐसा भी वह लांस से कहती है। तभी लांस उसके नजदीक आके बैठ जाता है और उसे कहता है कि आदमी कामयाब तभी होता है जब वह अपने मनपसंद औरत के साथ हो। तब लिजल उसे कहती है कि हम फिर से एक हो सकते हैं क्या। तब लांस उसे कहता है कि हो सकते बट सीक्रेटली, और लांस लिजल को हाथ लगाने लगता है बट लिजल उसे पहले मना करती है। तब लिजल उसे कहती है कि मैं उसे ही हाथ लगाने दूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। ऐसा कह के वह लांस से कहती है कि वह उसे अभी भी लाइक करती है। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि लिजल बहुत ही ज्यादा खुश है। अब वो अपने दोस्तों को भी बता देती है कि उसका एक्स वापिस आ गया है और वह अब उससे प्यार करती है। तब उसकी बातें सुनकर वे लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों लड़कियां बाद में कैसे कैसे एंजॉय करती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और बॉस भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। एक दिन रात में बॉस और उनकी वाइफ जब सोए हुए होते हैं तभी बॉस को डोना का कॉल आता है। तब उसकी वाइफ ये सब देख लेती है पर उस टाइम वो उसे कुछ नहीं कहती और सो जाती है। पर उसको अपने पति पर बहुत ही ज्यादा डाउट आ गया था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लांस और लिजल दोनों कॉल पर बात कर रहे थे। वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते, वे दोनों बहुत ही ज्यादा पर्सनल बातें करते। अभी लांस की वाइफ लांस की बातें सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि रीना अपने बीएफ से मिलकर जप्पिया दे रही थी। तभी उसके बीएफ की वाइफ वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और वे बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ काम कर रही थी। तभी रीना के बीएफ के वाइफ वहाँ पर आती है और वो आते ही रीना को कान के नीचे एक जोर से बजाती है और उसे वीडियो दिखाकर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और उसकी पुलिस में कंप्लेंट करेगी, ऐसा भी रीना से कहती है। रीना के फ्रेंड रीना के बीएफ की वाइफ को कहते हैं कि वो उसे समझाएगी, आप ऐसा कुछ मत करो। तभी रीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बीएफ की वाइफ गुस्से से वहां से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डोना और उनके बीएफ ऑफिस में एंजॉय कर रहे थे। तभी उसके बॉस की वाइफ वहां पर आती है और वो रंगेहाथ उन दोनों को पकड़ लेती है। उसे देखकर वे दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी उसके बॉस अपने वाइफ को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं पर उसके बॉस की वाइफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और वो डोना को होटल छोड़ने के लिए भी कहती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लांस की वाइफ उस होटल में आती है और वो लिजल से बात करनी है, ऐसा कह के लिजल को बैठने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि लांस की वाइफ रोने लगती है और वो लिजल से कहते हैं कि प्लीज लांस को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुझे दूंगी पर प्लीज लांस को छोड़ दो। और वो उसे कहते हैं कि अभी वो प्रेग्नेंट है इसीलिए वो लांस को छोड़ नहीं सकती, इसीलिए प्लीज तुम लांस को छोड़ दो। और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उसकी ये बातें सुनकर लिजल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे लांस को छोड़ देगी, ऐसा उसे कहती है। तब हम देखते हैं कि लांस की वाइफ थोड़ा हैप्पी फील करती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वे तीनों लड़की अपने रूम में बैठकर बातें कर रही थी। तब रीना उन्हें कहती है कि वो अपने बीएफ से ब्रेकअप करेगी, अभी उसको इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। तभी लिजल भी उसे कहती है कि वह बीएफ उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप करेगी और डोना भी कहती है कि उसने रिजाइन कर दिया है होटल से और वह अब उनके बॉस से कभी नहीं मिलेगी। तभी वो तीनों लड़कियां डिसाइड करती है कि वो अपने बीएफ से ब्रेकअप कर रही है ऐसा कहने के लिए लास्ट टाइम उन्हें मिलेगी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डोना और उनके बॉस दोनों एक होटल में है। तभी डोना अपने बॉस से कहते हैं कि उसे अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, वो ब्रेकअप करना चाहती है। तब उसके बॉस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और वो डोना को समझाते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा वह प्यार करते हैं। उसकी बातों को सुनकर डोना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और आगे हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इधर हम देखते हैं कि ब्रेकअप वाली बात रीना अपने बीएफ को कहने के लिए उसके गाड़ी में होती है। तभी उसका बीएफ उसे कहता है कि वह अपने पत्नी से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ रीना से प्यार करता है और वे दोनों वहां पर ही एंजॉय करते है। सेम बात लिजल के साथ भी होती है, वो भी ब्रेकअप का बताने के लिए गई थी पर वह भी सब भुलाकर अपने बीएफ के साथ एंजॉय करती है। और एंड में हम देखते हैं कि वे तीनों लड़कियां अपना नया होटल ओपन करती है और वे लोगों को सर्व कर रही होती है और वे लोगों के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। वे तीनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी और अपनी लाइफ खुशी से बिता रही थी। और यहाँ पर ही दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।